प्रदेश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। दूसरी ओर प्रदेश में राज्य सरकार की तरफ से छूट के बाद सभी पार्क शर्तों के साथ खोल दिए गए। जयपुर की अगर बात करें तो सबसे बड़े सेंट्रल पार्क में अब धीरे धीरे जो रौनक है वो लौटने लगी है। पहले की तरह लोग नियमित व्यायाम और रनिंग के लिए आने लगे हैं, लेकिन सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक बिना मास्क पार्क में प्रवेश निषेध है। लेकिन A1 टीवी की टीम ने जब सेंट्रल पार्क का जायजा लिया तो कई लोग बिना मास्क के वहां नजर आए। तो वहीं पार्क में नियमित आने वाले लोगों का कहना है कि पार्क को दो पारी की जगह पूरे दिन के लिए खोल देना चाहिए। देखिए, पिछले 3 महीने से लॉकडाउन के चलते लोग बंद पड़े थे। अब लोगों के घर बैठे बैठे वजन बढ़ गए, लोगों के शरीर जकड़ गए। अब ये पार्कों को खोलने से सुविधा हो गई है। जयपुर का तो सेंटर पार्क है, जो जयपुर की जान है, ऑक्सीजन का यहाँ भंडार है, हरियाली है, और काफ़ी लोगों ने इसकी सुविधा लेने का शुरू किया है। जैसे सरकार ने जो पाबंदियाँ लगाई वो बड़ी आवश्यक थी, जिससे कि सोशल इंट्रैक्शंस कम हो, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़े। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पाबंदियाँ खुलती गई, वैसे हमने भी मूवमेंट चालू किया। पर सबसे पहली मांग ये थी कि सेंट्रल पार्क को तो विशेष तौर से खोला ही जाए, क्योंकि सेंट्रल पार्क ऐसी जगह है कि यहाँ आदमी आता है तो वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग तो ऑटोमेटिकली मेंटेन होती है, आसपास नहीं होता आदमी। और जयपुर के वासियों के लिए, हर एक समाज के लोगों के लिए बड़े अच्छी जगह है कि जहाँ आपस में मिलना जुलना भी हो जाता है और शारीरिक तौर पर भी स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छी चीज़ है। रनिंग में तो सांस आने में थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है, दम ज़्यादा सांस फूलने लगता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ सही है कि पार्क के अंदर आप मास्क लगा के ही जाएं। मैं तो यही कहूँगी कि मुझे यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है, और जैसे अगर आप मास्क वगैरह लगा के अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो देन डेफिनेटली यू विल फील बेटर, और आप सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें और आप फिर भागें, रनिंग करें, तो आई थिंक आपकी फिटनेस भी बनी रहेगी और सोशल डिस्टेंस को भी आप फॉलो कर पाएंगे, और मास्क को भी लगा के आप रनिंग करें, सो दैट वुड बी बेटर फॉर एवरीवन। सर, इनसे काफ़ी बार बोला गया है मास्क लगाओ, तो ये बोल रहे हैं भाई हम वॉक के समय मास्क जरूरी नहीं है, डॉक्टर ने बोला हुआ है। तो कई बार यहाँ काफ़ी बार ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना हमें अलाउ ही नहीं है, यहाँ पर आदेश हैं मास्क जरूरी है लगाना। कोरोना संक्रमण का कहर जारी है, तो वहीं राज्य सरकार की ओर से जो अब लगातार छूट दी जा रही है, इसके बाद सभी पार्क जो खोल दिए गए हैं। तो राजधानी जयपुर की बात करें तो सेंट्रल पार्क का आज हमने जायजा लिया, तो सेंट्रल पार्क के अंदर चूंकि सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक मास्क लगाना अनिवार्य है। ऐसे कई तरह की जो नियम कानून कायदे हैं उनका पालन करना जरूरी है। सेंट्रल पार्क के दौरान इस दौरान लोगों से हम बातचीत की तो उनका कहना था कि सेंट्रल पार्क के अंदर जो दो पारी में अभी खोला जा रहा है उसको पूरे दिन के लिए खोल देना चाहिए, ताकि लोगों को यहाँ पर जो है नियमित जो पहले की तरह सुविधाएं मिलती थी वो मिलनी चाहिए। हालांकि इस दौरान हमने जब पाया सेंट्रल पार्क के अंदर कुछ लोग बिना मास्क भी नज़र आए, हालाँकि प्रशासन की ओर से लगातार जो है कार्रवाई भी की जा रही है, इसके बावजूद कुछ लोग जो है अभी भी जो है बिना मास्क सेंट्रल पार्क में हमें दिखाई दिए। ये अच्छी चीज़ नहीं है, लोगों को समझना होगा, सरकार की गाइडलाइन है उसको पालन करना होगा, ताकि इस कोरोना का जो संक्रमण है उसको हराया जा सके और आमजन जो है सुरक्षित जीवन जी सके। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV जयपुर।